एचपीसी के प्रवक्ता एवं भाजपा नेता संजय शर्मा ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप को लेकर स्थानीय विधायक एवं शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा पर तीखा हमला बोला है। शर्मा ने आरोप लगाया है कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के नाम पर सुधीर शर्मा ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संजय शर्मा ने कहा कि सुधीर शर्मा केवल मंत्री ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग विड व्हीलिंग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में बैजनाथ के विड व्हीलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में भारत व हिमाचल सरकार तथा अन्य कई एजेंसियों द्वारा करोड़ों रुपए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को दिए गए थे, जिसमें इन पैसों का दुरुपयोग किया गया और फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार एसोसिएशन द्वारा किया गया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि इन फर्जी बिलों को पास करने के लिए एसोसिएशन द्वारा 1-3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा ये बात सामने आई है कि इन बिलों में करोड़ों रुपए की धांधलियां हुई हैं और इन बिलों को पास नहीं किया जा सकता और ये पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध हैं। शर्मा ने कहा कि इन बिलों को पास करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया और जिन अधिकारियों ने इन्हें पास करने से मना कर दिया, उन अधिकारियों को बदल कर उनकी जगह पसंदीदा अधिकारियों को नियुक्त किया गया ताकि बिलों को पास किया जा सके। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग को करोड़ों रुपए दिए गए, वो पैसा कहां गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। शर्मा ने आरोप लगाया कि विड व्हीलिंग में पहले से निर्मित भवनों को उखाड़ा गया और साथ ही वहां पर कृत्रिम घास उगाने के लिए पैसा लगाया गया, लेकिन वो घास नहीं लगा है। भाजपा नेता ने कहा कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के दौरान प्रतिभागियों से डॉलर के माध्यम से एंट्री फीस ली गई, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग है। संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को लपेटे में लेते हुए कांग्रेस सरकार पर दोहरा रुपया अपनाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान जिला प्रशासन को सड़कों की स्थिति सुधारने व अन्य कार्यों के लिए दिए गए 3 करोड़ रुपए पर कांग्रेस प्रश्न उठाती है, परंतु इस मामले पर नहीं, जबकि वह पैसा एचपीसीए को नहीं अपितु जिला प्रशासन को दिया गया था। शर्मा ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा इस आयोजन के ऊपर किए गए खर्च की सीबीआई जांच करवाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर इसकी जांच की मांग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री और स्थानीय धर्मशाला के विधायक, वो केवल यहाँ के विधायक और हिमाचल सरकार के मंत्री ही नहीं हैं, वो हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग वीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष भी हैं। 2015 के अंदर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया और उस आयोजन के दौरान जो है वो हिमाचल सरकार, भारत सरकार और अन्य कई एजेंसीज ने करोड़ों रुपया जो है वो इस एसोसिएशन को दिया गया। इस एसोसिएशन ने उन सारे मदों को पास करने के लिए 1-3 सदस्यीय पर्यटन निगम, पर्यटन विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकी 1-3 सदस्यीय मेंबर्स की कमेटी बनी उन बिलों को पास करने के लिए। उन बिलों के अंदर करोड़ों रुपए की धांधलियां हैं, उन धांधलियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए जो है वो इस कमेटी ने जो है वो कहा कि ये जो है ये ऐसा नहीं किया जा सकता और ये नियमों के विरुद्ध है, तो वहां से अधिकारियों को भी बदला गया और पसंदीदा अधिकारी लगाए गए, उनसे जो है वो उन बिलों को पास करने के लिए जो है वो दबाव बनाया गया। करोड़ों रुपया है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया, आईपीएच को करोड़ों रुपया दिया गया, विद्युत विभाग को करोड़ों रुपया दिया गया, वो पैसा कहाँ गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहां पे पहले से निर्मित भवन थे, उन भवनों को उखाड़ा गया, वहां पे कृत्रिम घास लगाने के लिए जो है वो पैसा लिया गया लेकिन वो नहीं लगाया गया। इस तरह से वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स आए उनमें डॉलर्स के माध्यम से जो है वो एंट्री फीस ली गई लेकिन उसका कोई हिसाब किताब जो है वो नहीं दिया गया। ये सारा जो है ये पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर जो है वो डकैती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस एसोसिएशन के द्वारा इस आयोजन के ऊपर किए गए खर्च का जो है वो सीबीआई से जो है वो जांच करवाई जाए और जो भी दोषी है उसको जो है वो सजा दी जाए।